कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए 16 मई तक कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा हमीरपुर बाजार में फ्लैग मार्च किया गया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने पूरे बाजार में चक्कर लगाया और लाउड स्पीकर से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए आह्वान किया। फ्लैग मार्च के दौरान कार्यकारी SHO धर्मचंद की अगुवाई में पुलिस जवानों ने गांधी चौक से नादौन चौक होते हुए बस अड्डे और बाजार की परिक्रमा की। कार्यकारी SHO धर्मचंद ने बताया कि सरकार के द्वारा 17 मई तक सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च पर लोगों से नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी सामान की दुकानों में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही सामान देने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि दुकानों के बाहर भी उचित दूरी बनाकर काम करने की हिदायत दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर के जो सरकार की चिंता है, उस करके सरकार ने जो है कल सुबह 7 बजे से लेकर 17 मई 2007 तक सवेरे 6 बजे तक जनता कर्फ्यू का आयोजन इसका कोरोना कर्फ्यू लगाया है। तो इसलिए हम आज ही जनता को अवेयर कर रहे हैं कि वो बिना किसी आवश्यक कारण के घर से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और जिन दुकानों को खोले जाने की अनुमति है वहाँ भी हम दुकानदारों को आगाह कर रहे हैं कि वो अपनी दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नो मास्क नो सर्विस का पालन करें। जो आदमी बिना मास्क के बाहर निकलते उसे सामान ना दें और दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नॉर्म फिक्स किए हैं उस तरह से चाहे गोले बनाकर या फिर वैसे ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। कल जो सरकार ने आदेश दिए हैं उसमें कुछ ही दुकानें जो आवश्यक वस्तुओं से संबंधित हैं वही खुली रहेंगी, बाकी के बाजार बंद रहेंगे और ये 17 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा। इसलिए हम आज ही जनता को अवेयर कर रहे हैं, आप सबको इस बारे में अवेयर कर रहे हैं कि कल से वो जो कर्फ्यू इम्पोज किया गया है उसका सख्ती से पालन होगा।